नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। लाखों लोगों का सहारा बनी सहारा इंडिया में कई लोगों के पैसे फंसे हैं। ऐसे में आप में से भी बहुत लोग होंगे जिनका पैसा सहारा के पास में फंसा हुआ होगा और आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि किसी तरह से आपको आपका पैसा मिल जाए। हालांकि पैसा कब मिलेगा इसको लेकर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, लेकिन अगर आपकी कोई शिकायत है तो आपके लिए एक राहत की खबर सामने आई है। अगर आपके भी पैसे सहारा में फंसे हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सहारा इंडिया का रिफंड हो सके इसके लिए अब सरकार भी एक्शन में आ गई है, जिसके तहत ही जितने भी लोगों के खून पसीने की कमाई इसमें फंसी है उनकी शिकायतों को सुनने के लिए ही सरकार के वित्त विभाग की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। इतना ही नहीं, अगर आपके पैसे सहारा के अलावा किसी दूसरे नॉन बैंकिंग कंपनियों में फंसे हैं तो भी सरकार अब आपकी मदद करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने नॉन बैंकिंग कंपनियों और कॉरपोरेटिव सोसाइटी के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। सरकार ने इनके ही खिलाफ हाल ही में एक पुलिस हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके तहत ही अब आप अपने फंसे हुए पैसे की शिकायत आसानी से 112 पर कर सकते हैं। इसके बाद वित्त विभाग को जैसे ही आम लोगों की शिकायत मिलेगी विभाग CID के साथ मिलकर आपकी शिकायतों की जाँच करेगा। सहारा इंडिया ने लोगों को सहारा देने के नाम पर करोड़ों रुपए गबन किए हैं। झारखंड में भी कई लोगों ने पैसा लगाया था, जिसके बाद ही झारखंड के विधानसभा सत्र में विधायक ने नॉन बैंकिंग में 2500 करोड़ रुपया फंसा होने की बात बताई, जो ये 2500 करोड़ सिर्फ झारखंड के लोगों का ही है। वहीं 300,000 लोग अपने इसी पैसे को निकालने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन इसका कोई सफल परिणाम निकल करके सामने नहीं आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सत्र के दौरान ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग की थी, जिससे पता चल सके कि इसमें किसका कितना पैसा फंसा हुआ है। सहारा में काम करने वाले लगभग 60,000 कर्मचारियों की भी हालत खराब है। खबर है कि अब किसी भी समय इन पर आफत का पहाड़ टूट सकता है, क्योंकि सहारा में निवेश करने वालों में अधिकतर गांव देहात के लोगों ने इसमें पैसा निवेश किया हुआ है, जिससे ही लोग भी बेहाल है। वित्त मंत्री की माने तो सहारा ए लिस्टेड कंपनी है, जिसकी पूरी कमान सेबी के हाथों में होती है। सेबी और सहारा प्रमुख को पैसा लौटाने के लिए अब तक कई चिट्ठियां भी भेजी जा चुकी है। सहारा के खिलाफ जो शिकायत मिली है उसे भी सरकार देख रही है। विभाग भी अपनी तरफ से तमाम प्रयास करने की बात कह चुका है। ज्ञात हो सहारा के अलग अलग स्कीमों में लोगों के करोड़ों पैसे फंसे हुए हैं। लोग कई सालों से आगे पीछे भटक रहे हैं। सालों से ये लोग अपने पैसों को निकालने में लगे हुए हैं। पैसा कब और कैसे मिले इसकी तमाम कोशिशें भी की जा रही है। इसको लेकर निवेश करने वालों की भी हालत खराब है। मामला कोर्ट में है और सुनवाई जारी है। पटना हाईकोर्ट भी इस मामले में गंभीर है। पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत रॉय को भी खुद आकर जवाब देने की मांग की है। वहीं झारखंड सरकार की पहल के बाद अब ये जानकारी निकल करके सामने आने से आसानी होगी कि कितने लोगों के पास कितने पैसे हैं और कितनों ने कितने पैसे लगाए हैं। हालांकि सहारा इंडिया के पैसे नहीं लौटाने के कदम पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।